हेलो नमस्कार आदाब सलाम सस्त्रीकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गने हुकुम केमते अच्छन्ते की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा, इन सभी विषय पर में चर्चा होने वाली है। मित्रों, आपको मैं बता दूं, राशि फल जो है जो वो गोचर कुंडली पर में आधारित होता है और गोचर कुंडली तात्कालिक जो ग्रह स्थिति है आकाश मंडल में उस पर में आधारित होती है। जिस राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं उसको आपके राशि कुंडली के हिसाब से, आपके गोचर कुंडली के हिसाब से, आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से उसको तैयार करके और सामने रख दिया जाता है। अब समझने की बात इसमें यह होगी कि दैनिक राशि फल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में उसका निर्णय लिया जाता है। साप्ताहिक राशि फल का भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही निर्णय लिया जाता है और मासिक राशि फल का सूर्य के गोचर के आधार पर में निर्णय लिया जाता है। वार्षिक राशि फल का गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में निर्णय लिया जाता है। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, 100 नहीं 110% पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही, लेकिन एक तरीका है, एक विधान है, एक सिस्टम है जिसके तहत जो है सो ये तैयार किया जाता है। लेकिन मैं उन सिस्टम को, मैं उस विधान को छोड़ते हुए आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपका जो मूल चीजें हैं, सभी ग्रहों को हमने गोचर कुंडली में इस महीने में बैठा दिया है। आपके सामने में जो कुंडली है आप देख रहे होंगे, चंद्रमा के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सब गोचर कुंडली में, चंद्र कुंडली में, राशि कुंडली में उपस्थित हैं। ये मैंने क्यों किया, क्यों इसीलिए किया क्योंकि सूर्य के आधार पर तैयार किया हुआ मासिक राशि फल अधूरा है। वो एक तरीका है लेकिन वो ए ग्रेड में मैं उसको नहीं रखता हूं, उसको मैं बी ग्रेड में रखता हूं। लेकिन जब सभी ग्रहों का फलादेश आपको सुनने को मिलता है, जब आप सभी ग्रहों का रिजल्ट सुनते हो, जब आप ये समझते हो कि कौन सा ग्रह आपके पक्ष में है और कौन सा ग्रह आपके विपक्ष में है, किस ग्रह के लिए उपाय करने की आवश्यकता है और किस ग्रह के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, तब जाकर के आपको संपूर्ण राशि फल का ज्ञान होता है, तब जाकर के आप इसका उचित और अनुचित का निर्णय ले पाते हो। आइए मित्रों, एक एक करके चर्चा आरंभ करते हैं। कौन सा ग्रह आपके पार्टी में, आपके पक्ष में कब तक है, पहले उसको समझेंगे और साथ ही साथ समानांतर ये भी समझेंगे कि कौन सा ग्रह आपके विरोध में है और उसके लिए क्या उपाय करने की आवश्यकता है। मित्रों, ये राशिफल तुला राशि वालों का है। तुला राशि, सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे क्योंकि ग्रह राज सूर्य ही है, प्रथम ग्रह के तौर पर में सूर्य को ही माना जाता है। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव के मालिक हैं, यानी कि स्वामी हैं और एकादश भाव होता है लाभ का, एकादश भाव होता है आय का, इच्छा के पूर्ति का, मनोकामनाओं के पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का, पुत्र वधू और दामाद का, और क्या आपके बच्चों के विवाह का, और क्या तो आपके कान का भी भाव 11वां ही होता है, और क्या तो आपके पांव के ऊपर और घुटने के नीचे जो बीच वाला जो ये पार्ट है उसका भी भाव 11वां ही होता है। उस भाव के मालिक हैं सूर्यदेव और वो बैठे हुए हैं कहां,
तो प्रथम 14 दिन 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठ भाव में शत्रु क्षेत्र में आ गए, दुश्मन के घर में आ गए, जो आपके लिए बढ़िया कतई नहीं है। 14 अप्रैल तक का समय सूर्यदेव के मामले में अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि सूर्यदेव 14 अप्रैल तक आपके पार्टी में नहीं है, आपसे विरोध में है सूर्यदेव, जिसका रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार से भुगतना पड़ेगा। 14 अप्रैल तक सूर्यदेव ऐसा करेंगे कि आपको दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, तो चिंता को भी बढ़ाने का सूर्यदेव हर संभव प्रयास करेंगे। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके रोग का भी होता है, तो इस समय में सूर्यदेव आपके रोग का नाश नहीं करेंगे, वो आपके रोग में वृद्धि करेंगे और रोग के मामले में आपको परेशान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये सूर्यदेव का ये फल है। सूर्यदेव का छठे भाव में बैठने का अर्थ ये भी है 14 तारीख तक कि सूर्यदेव आपको पेट से संबंधित परेशानी भी देंगे। जो लोग किसी प्रकार के कर्ज में दबे हुए हैं, उनको सूर्यदेव इस समय में कर्ज में विशेष तौर पर में परेशान करेंगे, और जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं उनको सूर्यदेव के कृपा से इस समय में कर्ज में जाने का, कर्ज लेने का अवसर प्राप्त होगा और वो लोग लोन कर्ज ये सब ले पाएंगे। ये जो भाव है मित्रों, जो लोग केस मुकदमा में पहले से फंसे हुए हैं उनको विशेष तौर पर में परेशान किया जाएगा, इसीलिए उनको ये चाहिए कि वो इससे बचने का प्रयास करें। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से सूर्यदेव का ये प्रयास रहेगा 14 अप्रैल तक कि आपको किसी से टकरा दिया जाए, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा करवा दिया जाए, जिसके माध्यम से ये जो आपके विपक्ष में हैं उनका इच्छा, उनकी स्थिति सफल हो। तो इसलिए सावधान, सूर्यदेव की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में है, यानी कि 12वां भाव। 12वां भाव किस चीज का होता है मित्रों? तो 12वां भाव जो हमारे फॉलोअर हैं, मुझे लंबे समय से देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि 12वां भाव आपके खर्च का होता है। खर्चा यानी कि व्यय का। सूर्यदेव के कृपा से 14 तारीख तक खर्चा करने में चुकोगे नहीं आप, जहां से ना जहां से होगा सूर्यदेव आपके पॉकेट से पैसा निकलवा करके खर्च करवा ही देंगे। ये जो 12वां भाव है आपके धन हानि का भी होता है, तो सावधानी के साथ अगर नहीं चलोगे आप तो आपको सूर्यदेव धन हानि करवाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जो 12वां भाव है आपके सैया सुख का भी होता है, तो सूर्यदेव क्योंकि विरोधी पार्टी में है, आपके विपक्ष में है, आपके तरफ नहीं है, इसीलिए सैया सुख में भी कमी का योग बन जाएगा। सूर्यदेव की दृष्टि इस भाव पर में पड़ने के कारण जो लोग विदेश में होंगे अथवा विदेश से जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उन लोगों को विदेश से प्रबल धन लाभ का सूर्यदेव योग बना देंगे और उनको विशेष लाभ, विशेष फायदा और विशेष आमदनी जो है निश्चित तौर पर में होगा, क्योंकि सूर्यदेव एकादश भाव के मालिक हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उसको इस समय में दुश्मन विशेष तौर पर में परेशान करेगा। मित्रों, पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी 14 अप्रैल तक आपको परेशानी का कुछ खास तौर पर में सामना करना पड़ेगा, इसीलिए सावधान। 14 अप्रैल तक आपको जो है सो निश्चित तौर पर में हो सके तो दैनिक रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, और नहीं हो सके तो कम से कम जो रविवार आए उस दिन तो निश्चित तौर पर में सूर्य को जल देना ही चाहिए। 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के सप्तम भाव में, यानी कि दाम्पत्य जीवन के घर में,
मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव का आना है और सूर्यदेव का पाला बदल करके आपके जो विपक्ष में थे अब आपके पार्टी में आ गए, अब वो आपके साथ हैं, अब वो आपको मदद करेंगे। अभी तक विरोध में थे आपसे, उनकी विचारधारा मैच नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो गलत पोजीशन में आ गए थे, गलत भाव में आ गए थे, गलत घर में आ गए थे। क्योंकि गलत संगति जब हो जाती है तो कहा जाता है कि जैसा संगत वैसा रंगत, यानी कि जिस प्रकार के संगत में आप पड़ जाते हैं उसी प्रकार की विचारधाराएं आपकी बनने लगती है। कहा जाता है कि गुरु बनाओ जान करके और पानी पियो छान करके। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि जैसी स्थिति जिस प्रकार का अन्न खाओगे कहा जाता है उस प्रकार की बुद्धि हो जाती है। तो गुरु सूर्य जो है जिस भाव में चले आए, छठा भाव गड्ढा है, छठा भाव खराब घर है, छठा भाव संगत नहीं कुसंगति है, जिसके कारण से गलत भाव में आने का उनका प्रभाव दूषित हो गया। लेकिन अब वो वहां से उठ करके एक बहुत ही सुंदर बढ़िया स्थान पे आ चुके, जहां पर में आप ये समझो कि सूर्य देव आपको बहुत ही बढ़िया बड़ा ही सुंदर रिजल्ट देंगे। कब देंगे? तो 14 अप्रैल के बाद। अब ये समझने की आवश्यकता है आपको कि 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्या क्या देंगे, क्योंकि आपके फेवर में आ गए। तो आपके फेवर में आ गए तो ये जो सातवां भाव है मित्रों, आपके जीवन साथी का भाव होता है। तो जिस किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, परिवार में विवाह की बात चल रही है, तुला राशि के व्यक्ति हैं और अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा था अथवा फाइनल नहीं हुआ, तो 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव की विशेष महिमा विशेष कृपा आप पर में होगी और आपका विवाह जिस स्टेज में होगा उस स्टेज से आगे की तरफ रुख करेगा। पॉजिटिव जो है रिजल्ट आपके सामने में आएगा। अगर आपकी विवाह की बातचीत चल रही थी, फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो सूर्य देव के वहां जाने के कारण 14 अप्रैल के बाद आपका विवाह जो है सो फाइनल हो सकता है। जिसका विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी का विशेष सुख प्राप्ति का योग बनेगा, विशेष सुख प्राप्ति का। और क्या? तो जिसका विवाह हो चुका है उसको वैवाहिक जीवन के सुख के भोगने का समय भी प्राप्त होगा। ये जो सातवां भाव है आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। दैनिक रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी सूर्यदेव आपको बढ़ोतरी देंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपके सामने में ऐसा ऐसा सुअवसर, ऐसा ऐसा बढ़िया अवसर ला करके खड़ा कर देंगे, जिसका अगर आप सही इस्तेमाल दिमाग का कर पाओगे तो उचित लाभ ले पाओगे। ये जो सातवां भाव है मित्रों, आपको मैं बता दूं कि आपसे टकराने वाले प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, जिसके कारण से आप में वो जज्बा, आपके कलेजे में वो ताकत आ जाएगी, जिसके कारण से जो आपका दुश्मन है, जो आपसे टकराने की क्षमता रखता है, वो भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कहा जाएगा उस समय में कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति, ऐसा जज्बा आपके अंदर में सूर्यदेव विकसित कर देंगे। ये जो सातवां भाव है मित्रों, आपके पार्टनरशिप का भी होता है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का काम आप कर रहे हो तो सूर्य देव कम से कम 14 अप्रैल के बाद आपके फेवर में है और वो आपको बढ़िया रिजल्ट देने का हर संभव प्रयास करेंगे। सूर्य देव की सातवीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, प्रथम भाव पर में, राशि पर में, लग्न पर में है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में पड़ने का अर्थ ही ये हुआ कि आपका दिमाग सूर्य के समान तेजी से चलना शुरू कर देगा। लेकिन सूर्य आग है, मस्तक पर में सूर्य की दृष्टि पड़ गई यानी कि दिमाग गर्म रहेगा। थोड़ा सा उसको शांत रखने की अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो दिमाग गर्म रहेगा और वो गर्म दिमाग का निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
रंग रूप का भी भाव पहला होता है, तो रंग रूप में भी बड़ी अच्छी और सुंदरता देखने को मिलेगी, आकर्षक चेहरा आपका सबके सामने में खिल करके आ जाएगा। ये जो पहला भाव है मित्रों आपके तन का होता है, कहते हैं कि शरीर का भाव पहला, तन का भाव पहला और धन का भाव दूसरा। इसलिए शारीरिक तौर पर में भी बड़ा ही बलिष्ठ के रूप में सामने आएंगे, मजबूती के रूप में सामने आएंगे, भुजा में हाथों में बल का एहसास होगा और थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। ये जो पहला भाव है आपके विनम्रता का, आपके स्वभाव का भी होता है। तो सूर्य देव के महिमा के कारण स्वभाव तो निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा, लेकिन विनम्रता में कुछ कमी देखने को मिलेगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, जिसके कारण से लोग आपको अहंकारी भी समझ सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव एकादश भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से पर्सनली सूर्यदेव का ये प्रयास रहेगा कि आपके आय में वृद्धि हो, आपको लाभ विशेष मिले। कब? तो 14 अप्रैल के बाद आपके आय में वृद्धि हो, आपको लाभ मिले, आपके इच्छाओं की पूर्ति हो। इतना ही नहीं, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि मिश्रा जी हमारे लिए आप विशेष कुछ नहीं कहते, तो उनके लिए खास खबर कि पुत्र वधु और दामाद का सुख प्राप्त होगा। बुढ़ापा में इससे बढ़कर के आपको क्या चाहिए, जहां पर मैं आज पुत्र वधु और दामाद देखने के लिए तैयार नहीं है, और आपको इस समय में सूर्य नारायण की कृपा से पुत्र वधु और दामाद की सुख प्राप्ति का भी मिलेगा। हर मामले में 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव का उत्तम और बढ़िया रिजल्ट है, इसलिए 14 अप्रैल के बाद जब अपने फेवर में आ ही चुके हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा का चर्चा मासिक राशिफल में किया ही नहीं जाता, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका चर्चा करने का अर्थ है कि, और उसमें भी मैं करूंगा, तो उसका अर्थ हो गया कि ये वीडियो 4 घंटे से कम का नहीं बनेगा। तो चंद्रमा को छोड़ते हुए हम लोग मंगल की तरफ अग्रसर होंगे, और आपको मित्रों मैं बता दूं कि मंगल जो है सो प्रथम 7 दिन आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च का रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। मित्रों रूचक नामक राजयोग का निर्माण करने का अर्थ ये हो गया कि जो लोग तुला राशि के हैं, जिनके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, और बाई चांस भगवान के कृपा से वो योग इस समय में चल भी रहा है, तो मंगल का ये प्रभाव होगा खास करके उन लोगों के लिए जो लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए मंगल का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा और मंगल उनको एक अलग बुलंदी, एक अलग ऊंचाई पर में ले जाने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मंगल खुद सेना नायक है, इसके पास में खुद ये सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। कम से कम आपको अगर सेना नायक, सेनापति अगर नहीं बनाता है तो कम से कम सेना तो जरूर बना देगा। अगर जन्म कुंडली में भी राजयोग होगा और इस समय में वो योग अगर फलित होने का समय होगा, गोचर में भी राजयोग बन गया, आपका वो विशेष सपोर्ट प्राप्त हो गया, और 7 अप्रैल से पहले अगर ऐसा कुछ भी आपके पास में है सरकार से लाभ लेने का मौका, तो ये मंगल आपको पूर्ण सपोर्ट देगा, पूरा लाभ देगा 7 अप्रैल तक। क्या क्या लाभ देगा? तो मंगल के कारण जमीन प्राप्ति का अथवा जमीन के सुख का योग बन गया, मकान प्राप्ति का अथवा मकान के सुख का योग बन गया,
माता से लाभ का योग बन गया, अथवा माता का अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, हेल्थ वाइज इशू है, तो उसको भी ठीक करने का मंगल प्रयास करेगा। ये जो चौथा भाव है आपके वाहन का भी है, यानी कि गाड़ी का। अगर आप गाड़ी का सुख लेना चाहते हैं, वाहन का सुख लेना चाहते हैं, तो उसका भी योग मंगल बनाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से विवाह का भी योग बनेगा, वैवाहिक जीवन के सुख का भी योग बनेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के बढ़िया चलने का भी योग बनेगा। और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है दशम भाव पर में, पिता से लाभ का योग, पिता तुल्य व्यक्ति से लाभ का योग, सरकार से लाभ का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में चार चांद लगने के योग भी बन जाएंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि के योग, लाभ ज्यादा मिलने के योग, उपलब्धि प्राप्ति के योग, मनोकामनाओं के पूर्ति का योग, और क्या तो हर इच्छा के पूर्ति का योग मंगल देवता बनाएंगे अपने तरफ से। ये पूरा प्रयास करेंगे 7 अप्रैल तक। सूर्यदेव 14 अप्रैल तक विपरीत स्थिति में है, इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं है आपको। समाज में अगर 5 लोग हैं जिसमें से 2 लोग चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से जियो, तो उसमें से 3 लोग ये भी चाहते हैं कि आप भीख मांग करके खाओ, आपको जीने के लिए सही दिशा ना मिले और सही दशा की आपको प्राप्ति ना हो। लोग चाहते हैं कि सदगति नहीं आपकी दुर्गति हो। हर एक व्यक्ति चाहेगा, आपका अगर अपना व्यक्ति है तो वो चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आप उससे आगे ना बढ़ो, ये हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। तो मंगल देवता, सूर्य देवता अभी भी विरोध में है, लेकिन उसको सपोर्ट में लाने के लिए मैंने उपाय आपको बता दिए। मंगल देवता के कारण हर मामले में सात अप्रैल तक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यही मंगल देवता 7 अप्रैल के बाद आपको देखना नहीं चाहेंगे, आपसे नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी आपसे, और आपको तबाह करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कैसे परेशान करेंगे वो भी सुन लो। सप्तम मंगल भाव, मंगल देवता जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में मंगल देवता का आना है और अगर आपको संतान प्राप्ति होने वाला है 7 अप्रैल के बाद, पूरे महीने में कभी भी, तो एक मामले में मंगल देवता आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ये भूलने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक सामान्य राशिफल है और ये एक सामान्य गोचर कुंडली है। लग्न कुंडली का अपना महत्व है, लग्न कुंडली का विशेष महत्व है, और मूल फलादेश का जड़ जो है, मूल जो है वही है। इसीलिए मंगल देवता जो है सो आपको पुत्र प्राप्ति का एक योग निश्चित तौर पर में बनाएंगे। अगर 7 अप्रैल के बाद आपका, अगर आपके पत्नी का डिलीवरी होने वाला है अथवा आप संतान के पिता बनने वाले हैं, तो उम्मीद ये आप कर सकते हैं कि पुत्र की प्राप्ति मंगल देवता करवा सकते हैं मित्रों। लेकिन मंगल देवता इस कुंडली में, इस गोचर कुंडली में एक अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाने जाएंगे, ये एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाएंगे। इनका रिजल्ट जो है सो सदैव हमेशा निगेटिव इस कुंडली में रहेगा, सिवाय कब, जब ये किसी प्रकार के विशेष कंडीशन में अथवा राजयोग का निर्माण ना कर रहे हो तब। अगर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं
अपने राशि में केंद्र में है, उच्च के हैं, तब ये विवश हो जाएंगे आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए, दबाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे कहीं भी बैठे हैं तो आपको ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि पंचम भाव में मंगल देवता के बैठने के कारण तुला राशि वालों को पेट से संबंधित परेशानी का 7 अप्रैल के बाद सामना करना पड़ेगा। जिनके बच्चे हैं उनको संतान के सुख में कमी आ जाएगी, अचानक से धनहानि का योग बन जाएगा, लव अफेयर वगैरह भी कहीं पर में अगर चल रहा है तो टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधा का योग मंगल देवता बना देंगे। मित्रों, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, रैंडम लॉस हो जाएगा। लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में हैं अथवा विदेश से काम कर रहे हैं, तो उनको वहां से कुछ लाभ के अवश्य अवसर प्राप्त होंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि 1 भाव पर में क्या करेंगे मंगल देवता 7 अप्रैल के बाद, कि लाभ को कम करने की कोशिश करेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में कांटे बिछाने का प्रयास करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, पुत्र वधु दामाद के सुख में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और 8वीं दृष्टि जो है 2 भाव पर में तो धन हानि का योग, खर्चा का योग और क्या अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा, वहां भी आपका पैसा जा सकता है, इसलिए सावधान। तो मंगल देवता के लिए उपाय करने की विशेष आवश्यकता आपके लिए है 7 अप्रैल के बाद में। जैसे कि क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता यह है कि आप प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे बस। और जो लोग दैनिक करते हैं उनका तो विशेष तौर पे मंगल नुकसान कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इस महीने में 7 अप्रैल के बाद जो भी मंगलवार आए उस मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित तौर पे कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे कि बुध का रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, बुध जो है आपके कुंडली में सात तक नीच का छठे भाव में रहेगा। 7 तक बुध भी जो है आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि ये भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप कहोगे कि छठे भाव में है तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा, छठे भाव में बुध नीच का हो गया जिसके कारण से एक कंडीशन के तहत यहां पर में बुध जो है सो नीच भंग नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण से आपको बुध का बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सूर्यदेव जो आपको विशेष परेशान करने की कोशिश कर रहे थे उनके प्रभाव को ये कम करने का प्रयास करेगा। कैसे, तो आप ये अनुभव करोगे, आप ये देखोगे कि सूर्यदेव जो दुश्मन से विशेष परेशान करवाने की आपको कोशिश कर रहे थे उसमें बुध देवता उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे 7 अप्रैल तक। रोग जो आपको विशेष परेशान करने की कोशिश कर रहा था उसमें भी जो है ये उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, और मैं आपको बता दूं कि पेट से संबंधित सूर्यदेव जो विशेष परेशानी देने की कोशिश कर रहे थे उसको भी बुध देवता कम करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बुध की 7वीं दृष्टि 2 भाव पर में, तो क्या करेंगे ये कि विदेश वालों के लिए वरदान बनने की कोशिश करेंगे और विदेश से विशेष धन लाभ दिलाने का, विशेष से विशेष फायदा दिलवाने का जो है सो प्रयास करेंगे। सैया सुख में भी वृद्धि करने की कोशिश करेंगे 7 अप्रैल तक। धन हानि का जो प्रबल योग सूर्यदेव बना रहे थे उसको भी कम करने का
प्रयास करेंगे। अब समझने की बड़ी सूक्ष्मता से आवश्यकता है कि कौन सा ग्रह फेवर में है और कौन सा ग्रह हमारे अपोजिशन में है, यानी कि अपने विपक्ष में है, जिसका सही चुनाव हो सके। 7 अप्रैल के बाद बुध चले आएंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में, जहां से आपके विवाह का योग बनाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने का प्रयास करेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय को बढ़िया चलाने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है आपको, तो उसको भी ये दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। काम और वासना की आपकी पूर्ति करेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख और आनंद की लहर दौड़ेगी, और 7वां भाव जो है सो आपके प्रत्यक्ष शत्रु दुश्मन का भी होता है, तो दुश्मनों से भी टकराने की क्षमता देंगे आपको, और 7वीं दृष्टि इनकी आपके प्रथम भाव पर में, तो मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग बनाने का प्रयास करेंगे। और क्या, तो शरीर में बल और ऊर्जा का एहसास होगा, बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, और आपको जो है हर मामले में ये बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो बुध जो है आपके लिए बढ़िया है, कहीं से भी कोई नुकसानदेह जो है नहीं है। इसके बाद जो है बुध देव चले आएंगे आपके कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में आने का अर्थ ये हो गया कि बुध देव फिर से आपके लिए निगेटिव हो गए। कब से? तो 24 अप्रैल के बाद फिर से आपको ये बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे कि काम में रुकावट का योग, धन हानि का योग, अचानक से बनते हुए काम के बिगड़ जाने का योग, छोटा मोटा चोट अथवा एक्सीडेंट होने का योग, और इनकी 7वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर में, तो आपके लिए जो है ये बैंक बैलेंस जो है आपका, उसको खर्च करवाने का प्रयास करेंगे, आपके पॉकेट से पैसा निकालने का प्रयास करेंगे, और पड़ोसी के साथ साथ परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने का हर संभव कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बुध देव के लिए जो है उपाय करने की परम आवश्यकता पड़ जाएगी 24 अप्रैल के बाद। उनके लिए उपाय ये है कि 24 अप्रैल के बाद हो सके तो दैनिक रूप से, नहीं तो अगर कोई बुधवार अगर पकड़ा जाता है तो आपको ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेना है। महिला वर्ग को नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेना है, इसी से जो है आपका कल्याण होगा। मित्रों, बुध देवता का ये रिजल्ट है। अब हम लोग बृहस्पति की चर्चा करेंगे, देवगुरु की चर्चा करेंगे। देवगुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। ये हमारे लिए तुला राशि वालों के लिए बढ़िया ग्रह नहीं होते, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति जो है सो 13 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 13 से पहले कुंभ राशि में रहेंगे 12 तक, जो आपके लिए ठीक नहीं है। 13 से पहले पहले ये पंचम भाव के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट देंगे, और 13 के बाद जो है सो 6ठे भाव के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट देंगे। अब कैसे इसको समझने का प्रयास किया जाए। गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है तो फिर से वही बात, संतान सुख में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, लव अफेयर का योग, अचानक से धन हानि का योग, और गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पर में, तो भाग्य में कुछ कमी का एहसास होगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में आपको जो होना चाहिए उसमें कमी का एहसास होगा। और क्या, तो और आपके लिए जो है सो ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। और 7वीं दृष्टि 1, 10 भाव पर में 13 तक ये लाभ लेने में बड़ा परेशानी देंगे आपको, इतना आसानी से लाभ फायदा नहीं लेने देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूर्यदेव भी 14 तक आपके विरोध में है, उसी प्रकार से गुरु भी 13 तक आपके विरोध में है, तो ये भी पुत्र वधू दामाद वगैरह का सुख लेने में बड़ा परेशानी उत्पन्न करेंगे।
और इनकी नौमी दृष्टि मस्तक पर में तो दिमागी तौर पर में भी मानसिक तौर पर में भी जो है आपको विशेष परेशान करने का प्रयास करेंगे, इसलिए सावधान। 13 के बाद आ जाएंगे ये 13 को ही छठे भाव में, जिसके कारण से छठे भाव के रिगार्डिंग परेशानी, दुख, कष्ट, बीमारी, शोक, रोग, दुश्मन, इन सब से परेशानी। और यहां से पांचवी दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति से भी परेशानी के योग बनेंगे। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग बनेगा। अपना कारोबार भी बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। और सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेंगे। और नौवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में तो परिवार में कलह, पड़ोसी से टेंशन का भी जो है योग बना देंगे। तो देव गुरु बृहस्पति के लिए भी आपको उपाय की परम आवश्यकता पड़ जाएगी। आपके लिए जो उपाय है वो ये है कि आप ये प्रयास करें कि कम से कम बृहस्पति बार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें, केला ना खाएं, बढ़िया रहेगा। शुक्र की चर्चा करेंगे मित्रों। शुक्र जो है आपके कुंडली में लगभग ये पूरे महीने 27 तक जो है सो पंचम भाव में ही रहेंगे, जिसके कारण से शुक्र का रिजल्ट आपके लिए बड़ा फेवरेबल रहने वाला है। गुरु का रिजल्ट जो निगेटिव था, मंगल का रिजल्ट जो निगेटिव था, मंगल और गुरु ये दोनों आपके विरोध में चले गए, लेकिन शुक्र आपके विरोध में नहीं है, आपके फेवर में। जैसे कि पंचम भाव पर में शुक्र के बैठने का मतलब हो गया कि संतान के सुख में जो कमी का मंगल देवता और बृहस्पति देवता योग बना रहे थे, उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पेट से संबंधित जो परेशानी देने का मंगल देवता और गुरु देवता प्रयास कर रहे थे, उस परेशानी को भी कम करने का प्रयास करेंगे। लव अफेयर से संबंधित जो परेशानी है उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। और सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो मंगल देवता, सूर्य देवता भी कुछ, गुरु भी, जो एकादश भाव को पूरा निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, शुक्र का ऐसा प्रयास रहेगा कि उसमें से लाभ लेने का प्रयास किया जाए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी करवाया जाए, कुछ छोटा मोटा ही सही लेकिन उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाया जाए। पुत्र वधु और दामाद के सुख में जो परेशानी का योग बना रहे थे उसको भी कम करने का प्रयास किया जाए। ये सब काम जो है आपके लिए करेंगे शुक्र देवता। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि भी आपके कुंडली में जो है सो 29 तक मकर राशि में ही रहेंगे, जिसके कारण से सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में निर्माण हो गया। इस महीने में जमीन का सुख, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, अचल संपत्ति की प्राप्ति का सुख, माता का सुख, तीसरा दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के नाश का योग भी बनाएंगे। यानी कि सूर्य देवता जो दुश्मन पैदा करना चाह रहे हैं, गुरु जो दुश्मन पैदा करना चाह रहे हैं, उन सब को भी जो है ये दबाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि शनि देवता आप पर में पूरे प्रसन्न है, दुश्मन का नाश करेंगे, दुश्मन से कम परेशान करवाएंगे, रोग को कम करने का प्रयास करेंगे, अपयश कलंक को मिटाने की कोशिश करेंगे। और सातवीं दृष्टि दशम भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे, जन्म कुंडली में अगर सरकारी नौकरी का योग है मूल लग्न कुंडली में और इस समय में अगर उसका समय चल रहा है तो शनि का 100% सपोर्ट हो जाएगा और वो व्यक्ति आज की डेट में इस महीने में सरकारी नौकरी में चला जाएगा अथवा सरकार से कोई लाभ ले लेगा। शनि की जो है दशम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में जो बाकी ग्रह आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे उसको भी ये कम करने का प्रयास करेंगे। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु जो है आपके कुंडली में
अष्टम भाव में 12 अप्रैल तक पहुंच चुका है, जो अच्छा नहीं है। राहु का अष्टम भाव में बैठने कारण ऐसे परेशानी आएगी। मार्केश का भी योग बनेगा, धनहानि का योग बनेगा। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार में कलह का योग, वाणी में दोष का योग, रूखापन शब्दों का प्रयोग करोगे। और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो बाकी ग्रह जो जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख देने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये कुछ बाधा डालने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा कम प्राप्त हो, अथवा प्राप्त हो तो थोड़ा सा विघ्न बाधा के साथ प्राप्त हो। तो राहु के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना पड़ेगा। राहु के बाद, अच्छा राहु 12 के बाद आपके सप्तम भाव में चला आएगा, जिसके कारण से जो सूर्य देवता और बुध देवता आपको बहुत ही अच्छा और सुंदर दिव्य रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे थे, राहु देवता उसमें ग्रहण लगाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए राहु की पूजा आवश्यक हो जाएगी। राहु के लिए आपको करना क्या है कि क्योंकि सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी ये बुरा रिजल्ट देंगे, तो मंत्र को कंटिन्यू ही रखना है पूरे महीने। और केतु जो है सो प्रथम भाव में रहेंगे और द्वितीय भाव में रहेंगे, तो 12 अप्रैल तक द्वितीय भाव में रहेंगे, जिसके कारण से क्या करेंगे कि राहु जो निगेटिव परिणाम दे रहा था परिवार में कला का योग, प्रोसेस से टेंशन का योग, वो तो होगा लेकिन उसको ये मैनेज करने की कोशिश करेंगे। विदेश से कुछ लाभ करवाने का प्रयास करेंगे और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। 12 के बाद ये प्रथम भाव में चले जाएंगे, तो जिसके कारण से जो है दिमाग को कुछ अशांत जरूर कर देंगे, लेकिन बड़ा तेजी जुक्ति जुगाड़ से काम करने की आप कोशिश करोगे। संतान का कुछ सुख दिलवाएंगे, पत्नी का कुछ सुख दिलवाएंगे, पति का कुछ सुख दिलवाएंगे, ससुराल से कुछ लाभ दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये तुला राशि वालों के लिए इस महीने का राशि फल है, जो बड़ा ही संक्षिप्त में हमने कहने का प्रयास किया है, आपको पूरा डिटेल्ड जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि कम समय में ही 40 से 45 मिनट में एक कुंडली का फलादेश कर देना इतना आसान नहीं है। एक कुंडली का फलादेश करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय चाहिए, लेकिन फिर भी हमने आपको 40 से 45 मिनट में इस कुंडली का फलादेश करने की कोशिश की, आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।